हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास नेम्ड करंट में क्या है। तो आज का करंट टॉपिक है राष्ट्रीय कबाड़ नीति यानी कि नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में दिनांक 13 अगस्त को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति पेश करने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा। सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से सड़कों से हटाना है। उन्होंने कहा यह नीति कचरे से कंचन यानी कि वेस्ट टू वेल्थ अभियान और चक्रीय अर्थव्यवस्था की अहम कड़ी है। यह पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति के सिद्धांत के साथ वाहन और धातु क्षेत्रों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। यह शहरों में प्रदूषण घटाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ तेज विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिया जाएगा प्रमाण पत्र। मोदी जी ने बताया कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने पर स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका उपयोग नए वाहन खरीदते समय किया जा सकता है। इसके तहत नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। सरकार पथकर में भी कुछ रियायत देने की संभावना तलाश रही है। द अर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक सुमित शर्मा ने कहा पुराने और खटारा वाहनों को सड़कों से हटाना बहुत ही आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 23% है और पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों के आने से यह स्तर घटकर 16% ही रह सकता है। फिटनेस जांच 2022-24 तक। फिटनेस कबाड़ केंद्रों के लिए नियम जारी होने के साथ ही इस साल 1 अक्टूबर से पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का काम शुरू हो जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में वाहनों के लिए फिटनेस जांच 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। भारी वाहनों के लिए फिटनेस जांच 1 अप्रैल 2023 से और बाकी श्रेणियों के लिए 1 जून 2024 से शुरू होगी। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में अभी करीब 1 करोड़ कारें वैध फिटनेस मानदंड के बिना सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और ईंधन का खर्च भी बढ़ रहा है।